हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जो काफ़ी मोमेंटम में है और बजट के बाद और जनवरी सेल्स के बाद और भी ज़्यादा मोमेंटम में है। बात कर रहे हैं अशोक लीलैंड की। क्या बजट में इसके लिए पॉजिटिव निकल कर आया है और क्या इन्होंने जनवरी की सेल्स डाटा दी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। रिजल्ट्स इसके कैसे होने वाले हैं, कैसी फंडामेंटल कंपनी है, क्या इसके अंदर इस प्राइस के ऊपर भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमने जब वीडियो पहले बनाया था तब इसका प्राइस 88-90 के आसपास था और हमने टारगेट्स इसके 150 से ऊपर तब भी दिए थे। क्योंकि आप देख सकते हैं टेक्निकल के ऊपर भी हम बात करेंगे अब ये किस रेंज के अंदर चल रहा है और कहां पर इसका मोमेंटम बन सकता है। पहले हमने जो वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास था, 100 के आसपास था और 88 के आसपास का हमने बताया था कि इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया है तो इसने अच्छा मोमेंटम उसके बाद दिया है और अब देख सकते हैं किस लेवल पे ये जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस पे हम जरूर बात करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर भी और इसके टेक्निकल्स के ऊपर जरूर बात करेंगे, क्योंकि जब एक सेक्टर को हम चूज कर लेते हैं कि सेक्टर कैसा है तो सेक्टर अब रिवाइव कर रहा है पूरी तरह से। जो पिछले 2-3 सालों में इस पे प्रेशर था, अंडर परफॉर्म इसने किया है ऑटो सेक्टर ने, और 2021 और 2022 दोनों ही साल अब इसके नाम रहने वाले हैं और यहाँ से हर सेक्टर जो है, हर कंपनी जो है इसमें परफॉर्म करेगी। तो सेक्टर अच्छा है, ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा आगे, ठीक है। अब है ऑटो अशोक लीलैंड कैसा है, अशोक लीलैंड के फंडामेंटल हम पूरा देखेंगे। अब उसकी सिर्फ वैल्यूएशन पे लेना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, कहीं हम हाई वैल्यूएशन पर तो नहीं ले रहे और अगर कोई करेक्ट करता है तो काफी नीचे तो नहीं आ जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है उसके बाद हम उस चीज को वैल्यूएशन पे देखेंगे कि क्या यहां से भी ये अच्छा रिवार्ड दे सकता है या नहीं दे सकता। तो बात करते हैं अशोक लीलैंड की। आप देख सकते हैं 134.95 के आसपास लाइव मार्केट में 2% के आसपास की तेजी के साथ आज भी ये काम कर रहा है। 137.15 का आज इसने 52 वीक हाई लगाया है। आज देख सकते हैं हाई जो लगाया 137.15 का एक हाई लगाया है इसने और जो लो देखिए 33.70 के आसपास का इसका लो था जो कोविड टाइम पे इसने बनाया था और इसके आगे देखिए 1 लगा चुका है, यानी 100 रुपीज अपने 52 वीक लो के आगे ये 1 लगा चुका है, तो 100 रुपये ये ऐड कर चुका उसके अंदर। तो 5 डेज का भी आप देखेंगे अच्छे मोमेंटम में रहा है 112 रुपये से लेकर, और 1 मंथ का देखिए 104 से 30% के आसपास का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। 6 मंथ से देखेंगे तो लगभग 50 रुपीज से 135 के आसपास आया है और 1 ईयर का देखेंगे कोविड टाइम पर जो शेयर था जैसे मैंने बताया 34-35 रुपये का था और उसके आगे 100 रुपीज प्लस कर चुका है ये। तो इसके बाद फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद सेल्स देखेंगे और उसके बाद टेक्निकल्स को देखेंगे। मार्केट कैप देखिए 38,837 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डेट जरूर इसके ऊपर दिखाई देती है कि एक कंसर्न है इसका, 16,737 का है। डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे 2.30 का बनता है। प्लज किए हुए हैं शेयर्स, ये भी थोड़ा सा कंसर्न है, 10.9% के आसपास का। इसका आर ओ सी देखेंगे तो 8.85% के आसपास की है, आर ओ ई 5.80 की है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है बट स्टिल अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 24.8 का बुक वैल्यू है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आता है 5.33 का है। ईपीएस माइनस में जरूर नजर आती है क्योंकि क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे जो नेगेटिव में थे। फेस वैल्यू 1 की है और डिविडेंड यील्ड 0.38% के आसपास का है। तो डिविडेंड यील्ड डिविडेंड दे रहे हैं और रेगुलर दे रहे हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि किस टाइप से ये डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डिविडेंड है ये रेगुलर पे कर रहे हैं 2016, 17, 18, 19, 20 तो रेगुलर पे कर रहे हैं और बोर्ड मीटिंग जो रिजल्ट्स इनके अभी आने वाले हैं वो 11 फरवरी को आएंगे, जो कि हमें इस पे नज़र रखनी है कि 11 फरवरी को कि कैसे रिजल्ट्स देते हुए नजर आ रहे हैं और पहले के रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या उसे इंप्रूवमेंट नजर आता है उसको भी हम देख लेते हैं। 200 DMA स्टॉक जो है अपने ऊपर काम कर रहा है, वो एक बुलिश मोड के अंदर जरूर नजर आ रहा है। अगर पहले के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो माइनस में थे, जैसे आपने टाटा मोटर्स का देखा 3 क्वार्टर्स में उसने नेगेटिव रिजल्ट दिए थे और जैसे ही उसने पॉजिटिव रिजल्ट दिए तो अच्छा मोमेंटम उसके अंदर नजर आया। इन्होंने भी 2 क्वार्टर्स के अंदर अपने जो है नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। नेट प्रॉफिट देखिए -409 का है और नेट प्रॉफिट यहां पर देखिए पिछले क्वार्टर का -123 है। दिसंबर क्वार्टर बताया जा रहा है इनका पॉजिटिव आएगा। तो काफी चीजें इसके जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, इन चीजों को देख के कि ऑटो सेक्टर रिवाइव कर रहा है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आने वाले, काफी चीजें फैक्टर्ड इन है। तो हमें वही वैल्यूएशन देखनी है कि क्या जो लोग ये देख रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर के अगर प्लस आएंगे तो यहाँ से भी शेयर काफी ऊपर जा सकता है, तो क्या ऊपर जा सकता है उसे हम देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा इनके प्लस में रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी अच्छी चीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो जून क्वार्टर से इन्होंने इंप्रूव किए थे 15% के आसपास और पहले जो है 15% के आसपास ही सितंबर में थे। तो अब जो कंपेरिजन होगा
वो एक तो लास्ट क्वार्टर से होगा 15% के ओपीएम परसेंटेज से और 14% दिसंबर से। तो ये काफी इंप्रूवमेंट जो आने वाले रिजल्ट हैं बताया जा रहा है, इनके अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं और यहाँ से शेयर जो है आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो कर सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 51.54% के आसपास की, एफआईआई देखिए 16.30 के आसपास है, अपना स्टेक बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डीआईआई के पास 17.64 के आसपास का है, गवर्नमेंट के पास 0.08 और पब्लिक के पास 14.44% के आसपास की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा नजर आता है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम जरूर नजर आएगी बट 50% से ऊपर है तो ठीक है। एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआई की अच्छी होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग 14.44 के आसपास है, तो अच्छी चीजें हैं। दो क्वार्टर के रिजल्ट जरूर माइनस दिए हैं क्योंकि ऑटो सेक्टर पूरा जो था प्रेशर में था, क्वार्टर बंद तो इनका बिल्कुल वॉश आउट हुआ था, उस वजह से भी इनके रिजल्ट जो थे माइनस में थे। अब जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है तो आप देख सकते हैं लॉसेज भी इनके कम हो रहे हैं 409 से 123 और इस क्वार्टर में ये प्लस के रिजल्ट देते हुए आपको नजर आएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया 11 उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि हमें देखने होंगे। आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड की जो डाटा आया है और बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी जो निकल कर आई है वो इनके लिए काफी अच्छी है और इस सेक्टर के लिए काफी इंप्रूव कर सकती है। आप अगर डोमेस्टिक सेल्स को देखें जो जनवरी की निकल कर आई है, जनवरी 2021 में जो है एम एंड एच सी बी ट्रक्स जो इन्होंने बेचे हैं 6399 ट्रक बेचे हैं जबकि जनवरी 20 में 4837 बेचे रहे, 32% का जंप यहां पर ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। अगर एम एंड एच सी बी बसेस को देखें तो 2112 बेची थी इन्होंने पहले जबकि अब 440 बेचने को मिल रही है क्योंकि बसेज का जो बिजनेस है थोड़ा सा अभी किसी भी कंपनी का लगा लो थोड़ा डाउन है बट आने वाले टाइम में ये इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। तो 79% यहाँ पर डिप है। एलसीबी को देखेंगे तो 42% का जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं 42% राइज हुई है, 3900 के आसपास पहले थी 5500 के आसपास है। अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को हम प्लस कर लें तो आपको एम एंड एच सी बी ट्रक्स जो है 29% इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। एम एंड एचसीबी जो बसेज हैं 69% यहां पर भी आपको ड्रॉप मिलेगा बट लाइट कमर्शियल व्हीकल में 40% के आसपास का राइज है अगर जनवरी 20 को जनवरी 21 से कंपेयर करें। इसका मॉर्गन स्टेनले के टारगेट्स देखिए 155 रुपए के उन्होंने टारगेट दिए हैं, उससे पहले जो इनका टारगेट था वो 63 रुपीज की वैल्यूएशन ये लगा रहे थे और अभी टारगेट को इन्होंने रेज किया, रेज दी टारगेट प्राइस टू 155। आप देख सकते हैं मॉर्गन स्टेनले तो कहीं ना कहीं 63 रुपीज और अब 155 रुपीज के टारगेट्स ये दे रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कमर्शियल व्हीकल्स की जो साइकिल है वो अब रिवाइव करते हुए नजर आ रही है और काफी अच्छा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकती है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन हर यूनियन बजट जो बजट आया उसमें स्क्रैपेज पॉलिसी जो दी गई है टू रिप्लेस द पर्सनल व्हीकल ओल्डर देन 20 ईयर्स वॉलेंट्री कर सकते हैं एंड कमर्शियल व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स। तो बताया जा रहा है ऑटो सेक्टर एक्सपेक्टेड फॉर पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो काफी पॉजिटिव हो सकती है ये चीज। तो आने वाले टाइम में इनकी जो सेल्स ग्रोथ है उसके ऊपर भी नजर रखी नहीं होगी, सिर्फ जो अभी बसेज का बिजनेस है वो इनका डाउन है चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट का हो, बाकी जो ट्रक्स का बिजनेस है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है वो अच्छे इनकी ग्रोथ कर रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो 14% के आसपास का इनका ग्रोथ आया है और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को मिला लें तो 11% के आसपास का ग्रोथ इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर चार्ट के ऊपर वन डे का चार्ट लगाएं उसके ऊपर बात करें जो पहले हमने बताया था इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी था इसके लिए 88 का, तो इसने इस चार्ट को जो प्राइस है इसको अच्छी तरह से बीट किया और इसको ब्रीच करता हुआ ऊपर गया। हमने पहले भी बताया था इस चैनल के अंदर ये स्टॉक है मूव कर रहा है धीरे धीरे और यहां पर आकर ये स्टक हो रहा था, इसको इसने जैसे ही ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर ही चलता हुआ नजर आया। अब इसकी जो जब यहां से ये ड्रॉप हुआ था आप देख सकते हैं पहले ये रेजिस्टेंस लाइन थी और ये बाद में इसकी सपोर्ट लाइन बनी और इसके ऊपर ही इसने आके सपोर्ट लिया, अगेन इस चैनल के अंदर एंटर किया और इस चैनल के अंदर ही आपको ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये हाई वॉल्यूम्स जैसे आप देख पा रहे हैं कि अब ये जो है इस चैनल से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है, अगर क्लोजिंग इससे ऊपर आती है इस चैनल से बाहर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट जिसे शार्प मूवमेंट कहते हैं 155-160 के लेवल तक बिल्कुल ये शेयर जो है जा सकता है और अगर इसे आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ये शेयर जो है अगर वीकली चार्ट के ऊपर भी देखें तो इस लेवल को ये जो लाइफ टाइम हाई है इसका जो 164 के आसपास 167 के आसपास का अगर हम लगाएं तो ये इसको भी ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। तो इस चैनल को आप देख पा रहे हैं इस टाइप से इस चैनल में चल रहा है
और यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है 88 के लेवल पर। रिजल्ट्स इसके अच्छे आते हैं, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अच्छी न्यूज आती है निफ्टी से सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और लाइफ टाइम हाई को जब कोई शेयर क्रॉस करता है तो नॉर्मली क्रॉस नहीं करता और अच्छा मोमेंटम उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और ये शेयर उसके बाद आपको 167 के आसपास नहीं बल्कि 192 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा, बट पहले इसको रेजिस्टेंस और इस चैनल से क्रॉस करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से चैनल से बाहर जरूर ये निकला है आज, और चैनल से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, एक दो क्लोजिंग भी अगर ऊपर देता है इस चैनल के ऊपर, फिर ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देगा। ये रेजिस्टेंस लाइन है इस चैनल की, ये इसका सपोर्ट लाइन की तरह काम करेगी और ये शेयर जो है इससे ऊपर बढ़ता हुआ आपको बिल्कुल इस टाइप से नजर आएगा। अगर ट्रेंड लाइंस के बाद इसे मैं डिलीट कर दूं, जैसे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए हैं, टारगेट्स भी मैंने बता दिए हैं, बट ये ओवरनाइट या एक दो दिन या दो महीने का नहीं है। जैसे जैसे टर्न अराउंड होती है स्टोरी, जैसे जैसे इसकी सेल्स डाटा अच्छे आएंगे और प्रॉफिट्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, साइकिल रिवाइव होगी ऑटो साइकिल जो है और कमर्शियल व्हीकल की स्पेशली, तो ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स देती हुई नजर आएगी। डाउनसाइड इसके अंदर कम नजर आता है, बट कोई भी करेक्शन इसके अंदर होती है तो बिल्कुल आपको लेके चलना चाहिए। बट अभी ये एक अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी, तो इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो आपको रिजल्ट्स का जरूर वेट करना चाहिए, उसके बाद ही इसके अंदर एंटर करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा मूव ये दे रहा है, और जो पिछले कुछ दिनों से इसने इस रेंज को भी बना रखा था, यहां पर एक जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये इस लेवल के आसपास, और लोअर साइड में अगर आप देखेंगे इस साइड में जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये, तो यहां पर इसने अच्छा ब्रेकआउट कल दिया है और अभी ये इस साइकिल से भी ऊपर है। तो आप 126 के लेवल जो है, 124 से 126 का लेवल जो है एक सपोर्ट जोन इसका बनता है, और अगर किसी को लेना है ये कोई करेक्शन के अंदर मिलता है तो 124 के आसपास ले सकता है, और टारगेट्स इसके काफी ऊपर के बनते हैं क्योंकि एक अपवर्ड मूवमेंट में ये है और अच्छे टारगेट्स ये आपको दे सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, बाय ऑन डिप की पॉलिसी के अंदर रहेगी, डिप के ऊपर आप बिल्कुल इसे धीरे धीरे एड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।